अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय एन अदर वीडियो ऑफ GTA San Andreas। तो ये पार्ट टू है सीरीज़ का। जैसा कि आपको याद ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में जो ब्लास गैंग का बॉस है उसने हमें अपने पास बुलाया था मीटिंग के लिए, और हमने अपने दोस्त राइडर के साथ जो है मिलकर एक पिज़्ज़ा शॉप में चोरी की थी। उसके बाद फिर हम वहाँ से भाग गए थे, और ब्लास गैंग के बॉस ने हमें कहा था कि कल तुम बाइक हमारे पास आना, मेरे पास आना, मैं ना तुम्हें काम दूंगा। पर मैंने तो काम करने से इनकार कर दिया था। उसने मुझे ना फिर मारने की धमकी दी थी। उसके काफ़ी सारे ब्लास गैंग के ना मेंबर्स जो है आए थे। अभी मैं चलता हूँ जल्दी से उसके घर से के उसके सॉरी घर के बाहर ही खड़ा हूँ, तो जल्दी से चलता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। तो ओके, घर के अंदर तो मार चुका हूँ, लेकिन वो तो है नहीं। अब दरवाजे के अंदर चलते हैं, मुझे लगता है दरवाजे के अंदर ही होगा। तो चलते हैं जाके उससे बातचीत करते हैं कि भाई क्या सीन है। तो अंदर तो मार चुका हूँ, लेकिन वो है कहीं नहीं, पता नहीं किधर है, शायद से दूसरे कमरे में ना हो। कोई नहीं, अरे भाई वो देखो सामने गैंग मेम्बर्स खड़े तो हैं इनके। कोई नहीं, चल के देखते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इस वाले से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि भाई क्या सीन है, किधर है भाई आपका बॉस। तो जल्दी से पूछता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। फिलहाल तो मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है और ये कह रहा है बहुत अंदर है, तुम जाके मिल से। ओ भाई सामने ही खड़ा है। तो कोई नहीं, अभी जल्दी से इससे चलकर बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई हाँ भाई क्या सीन है। गाइस इससे मेरी बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसका एक ब्लास गैंग का जो मेंबर है ना वो पुलिस वालों ने किया हुआ है अरेस्ट, तो हमें जल्दी से जाकर उसे छुड़वाना है। मैंने इसे लोकेशन लोकेशन पूछ लिया। ये कह रहा है एयरपोर्ट में जाना है, कह रहा है एयरपोर्ट में जब तुम जाओगे ना वहाँ पर एक प्लेन है उसके पास जो है ना उसके पास जो वो खड़े हुए होंगे और उसे मार रहे होंगे, तो हमें जाकर जल्दी से उसे बचाना है। लेकिन मैं भी फ़िलहाल चलूँगा जल्दी से अपने दोस्त राइडर के पास जिसके साथ मैंने चोरी की थी, फिर उसके बाद जाकर ना उससे मैं मिलूँगा और उसके साथ जाऊँगा एयरपोर्ट। तो गाइस अभी मैं गाड़ी भगाता भगाता तो गया हूँ राइडर के घर के बाहर और ये अभी तक बाहर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी से फ़ोन कर बाहर बुलाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ कि क्या सीन है, इसको भी सारा सीन समझाता हूँ। तो गाइस राइडर तो जो है बाहर आ चुका है, अब जल्दी से इसके साथ मैं बात करता हूँ और इसको समझाता हूँ कि सारा सीन क्या सीन है, कि भाई ब्लास गैंग के बॉस ने क्या कहा है। और एक तो मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, तो अभी जल्दी इससे मैं बात करता हूँ। गाड़ी में तो मैं इसलिए बैठ के हूँ क्योंकि टाइम तो वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, जाते हुए सारा सीन मैं इसको समझा दूंगा और मैं लोकेशन लगा देता हूँ, एयरपोर्ट की लोकेशन मैं लगा देता हूँ। तो गाइस रास्ते में मैंने इसको सारा सीन समझा दिया था और भाई साहब ओ जिस प्लेन का मुझे ब्लास गैंग के बॉस ने बताया था वो प्लेन तो इस वक्त जा चुका है। अब यार आपने देखा होगा अब ये भी टेक ऑफ करके गया है, तो अब जल्दी से मुझे भी कोई प्लेन ढूंढना होगा, जाना पड़ेगा। गाइस बहुत गड़बड़ सीन हो गया अभी भाई, गाइस मुझे भी इसके साथ पीछे पीछे जाना होगा। पता नहीं अब ये पुलिस वाले इसको लेकर कहाँ जाएंगे ब्लास गैंग के मेंबर को। चलो जल्दी से मैं पहले तो प्लेन ढूँढ लेता हूँ। तो गाइस मुझे अभी सामने एक प्लेन खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं जल्दी से इसके ऊपर बैठता हूँ और जल्दी से उनके पीछे चलता हूँ। अब तो वो खैर बहुत दूर पहुँच गए होंगे, लेकिन कोई नहीं, हम फिर भी जाएंगे जिस डायरेक्शन में वो गए हैं। अभी जल्दी से मैं और राइडर इसके ऊपर बैठते हैं, चलते हैं जल्दी से, टेक ऑफ करते हैं प्लेन के साथ। राइडर गाइस बैठ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला हो गया इसे। मैं जल्दी से इसे उतर कर पूछता हूँ कि भाई क्या मसला तुझे, प्लेन में क्यों नहीं बैठ रहा तू भाई। तो गाइस फिलहाल मेरी राइडर से बात हो चुकी है, ये कह रहा है मुझे प्लेन में जाने से डर लगता है, तो तुम चले जाओ, मैं ट्रेन से आता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं चला जाता हूँ, ये ट्रेन से खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो अभी मैं प्लेन पर बैठ तो चुका हूँ, अब मैं जल्दी से चलता हूँ, कोई नहीं ये खुद ब खुद ही आता रहेगा पीछे। कोई नहीं, अब गाइस जल्दी से चलते हैं, उनका पीछा करते हैं भाई ब्लास गैंग के बॉस को। जो हमने प्रॉमिस किया था वो हमने पूरा करना है, मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तेरे मेंबर को जो है लेकर ही आऊँगा। तो अभी जल्दी से मैंने टेक ऑफ कर लिया, तो चलते हैं जल्दी से उस प्लेन के पीछे पीछे। तो गाइस अभी मैं जल्दी जल्दी से प्लेन उड़ाता उड़ाता पहुँच तो चुका हूँ उस प्लेन के पीछे, अब वो लेकर शहर के अंदर अंदर हो चुके हैं। अभी मैं जल्दी से चलता हूँ प्लेन, अभी मैं लैंड कराता हूँ, एक और प्लेन गाइस ऊपर से जा रहा है देखें, तो मैं जल्दी से लैंड कराता हूँ। मेरी लैंडिंग इतनी अच्छी तो नहीं, पर कोई नहीं फिर भी करा के देखते हैं, अभी जल्दी से लैंड करवाते हैं। अभी हाँ हो गया, अभी अभी ये तो फिर हवा में जा रहा है। कोई नहीं गाइस,
होता रहता है, कच्चे पक्के ड्राइवर रहना गाइस। तो अभी फ़िलहाल अच्छे तरीके से लैंड हो चुका है, अब मैं जल्दी से उतरता हूँ। एक और ये ब्लू रंग का जो है छोटा प्लेन खड़ा हुआ है, तो मैं गाइस जल्दी से उतरता हूँ और जाता हूँ उनके पीछे के भाई वो कहाँ गए हैं। तो अभी जल्दी से मुझे तो एक पहले गाड़ी ढूंढनी होगी, अभी मैं सड़क की तरफ चलता हूँ, एक गाड़ी लेता हूँ और चलता हूँ जल्दी से वो कहाँ गए हैं। तो गाइस सामने से कोई भी गाड़ी ले लेते हैं और जल्दी से चलते हैं उनके पीछे और जाकर ढूंढते हैं, कोई भी पुलिस स्टेशन ढूंढ लेंगे या शहर पूरे में ढूंढ लेंगे। अभी जल्दी से इस वैन पर ही बैठते हैं और भाई जल्दी से अब चलते हैं ढूंढने। तो गाइस चलते हैं जल्दी जल्दी। ओके गाइस, ब्लास्ट गैंग के मेंबर को ढूंढने से पहले मैं एक बात तो भूल ही गया कि भाई रेडर ट्रेन से आने वाला था। अभी जल्दी से उतरता हूँ और मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, ट्रेन आती है तो फिर मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। रेडर से एक बार मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि भाई तू आ भी रहा है कि नहीं। तो गाइस मेरी रेडर से बात हो चुकी है, तो कह रहा है कि भाई मैं जल्दी जल्दी पहुँचने ही वाला हूँ उस शहर में, तो जल्दी से हम रेडर का इंतज़ार करते हैं। शुक्र है यार ट्रेन आ चुकी है, इंतज़ार करते करते मुझे रात हो गई थी और ये मेरे पीछे राइडर आ चुका है जल्दी से। अब चलते हैं इसके साथ इस वैगन पर बैठते हैं और जल्दी से चलते हैं ढूंढते हैं यानी कि उन्हें कि क्या सीन है और क्या सीन नहीं है। तो हम यहाँ से तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं और गाइस आपसे मिलते हैं बाद में। तो गाइस अभी फ़िलहाल आपको पता है मेरा दिल क्या कर रहा है गाइस, कि मैं जा कर ना लॉस एंजेलिस जाकर ब्लास्ट गैंग के बॉस को गोलियां मार दूं भाई। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो गाइस उसने अभी अभी सुबह हो चुकी है फ़ोन करके मुझे कहा है कि मुझे ना अपना जो है बॉस जो साथी है वो मिल गया है और तुम जो है जल्दी से मेरे घर आकर ना यानी कि लॉस एंजेलिस आकर मेरे मैंशन पर आ जाओ। तो अभी तो फ़िलहाल यार क्या ही कर सकते हैं गाइस, क्या ही कर सकते हैं, उसके पास तो इतनी पावर है। फ़िलहाल गाइस हम उसके घर के बाहर पहुंच तो चुके हैं, ब्लास्ट गैंग के बॉस के घर के बाहर, और मैंने राइडर को बाहर ही खड़ा रहने के लिए बोल दिया। मैंने कहा जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें अंदर बुला लूँगा। तो अभी जल्दी से इसके पास चलकर देखते हैं कि भाई क्या वगैरह सीन है, कि भाई कौन है वो जिसको छुड़ाने के मैं इतनी दूर चक्कर लगवाए। तो अभी सामने मुझे फ़िलहाल एक मेम्बर तो खड़ा नज़र आ चुका है, तो अभी गाइस पता नहीं वो कहाँ होंगे। जल्दी से चलकर देखते हैं कि भाई क्या सीन है। अरे वो रहा गाइस ब्लास्ट गैंग का बॉस, मेरा दिल तो करता है जाकर अभी इसे मार दूं। और गाइस आज इनके साथ एक और अलग बंदा है, मुझे तो लग रहा है कि यही होगा। तो कोई नहीं जो भी हो, अभी हम यही लग रहा है मुझे जो सामने खड़ा है, लेकिन हम फिर भी जाकर जल्दी इससे बात करते हैं कि भाई क्या सीन है। तो गाइस मेरी फ़िलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये यही वही बंदा है और मुझे ना ये बहुत गालियां दे रहा है, गुस्से हो रहा है, कह रहा है सीजे तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। मैंने खुद अपनी गैंग को और दो तीन और अपने दोस्तों के साथ गैंग के साथ मिलकर ना पुलिस वालों का मुकाबला किया और इसे छिड़वा कर ले के आए। मैं तो तुम्हें बस वैसे ही फेरे लगवा रहा था, देख रहा कि तुम कितने काम के बंदे हो। और ये कह रहा है कि तुम हाँ काम के बंदे थोड़े बहुत हो, वैसे इसने अभी तक मुझ पर पूरा यकीन नहीं किया। चलो कोई नहीं, फिर भी करें या ना करिए हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता गाइस। तो ये भी कह रहा है कि अभी तुमने ना मुझे मेरा अभी तुमने मेरा एक काम करना है। काम वाला क्या करना है, मलेटरी बेस से जा करना मलेटरी वालों का हेलीकॉप्टर जो है चोरी कर ला के देना है। ये कह रहा है मैं उस हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, सिटी के बाहर चला जाऊंगा अपनी दूसरी। तो अभी फ़िलहाल राइडर को तो मैंने अंदर बुला लिया, अभी इससे बात कर मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई क्या सीन वगैरह है क्या सीन नहीं है। तो जल्दी से मैं राइडर से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि भाई क्या सीन है। तो गाइस अभी बिल्कुल ही ख़तरनाक सीन हो चुका है गाइस, अभी इसने ना इस मेंबर ने ब्लास्ट गैंग के बॉस के साथ थोड़ी सी बदतमीजी की, एक घुसन मारा गाइस सीधा ये जाकर मर गया। ओबे गाइस ओबे इसका तो देखो मुंह ही पता नहीं गायब हो गया गाइस, ये सच्ची में ब्लास्ट गैंग का बॉस तो वाकई में बहुत ही ख़तरनाक है। तो मेरी दादी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कोई नहीं काम कर देंगे, और ये कह रहा है कि इस बार मैं काम के बदले तो मैं अपना ये वाला घर जो दे दूँगा। गाइस ये वाला घर तो इसका बहुत मस्त है, जल्दी से चल कर आपको घर भी दिखा देते हैं। घर तो वैसे राइडर को साथ ले चलते हैं और घर देखते हैं जाकर, ये घर तो वैसे बहुत ही मज़े का लग रहा है। जल्दी से जाकर ना पूरे घर का टूर करते हैं, राइडर को साथ ले लेते हैं। तो अभी ओहो भाई क्या सीन है भाई, ये घर तो बहुत ही कमाल का है भाई, ये घर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। कोई नहीं जल्दी से अगली वीडियो में लेकर इसको बता देंगे कि हाँ भाई ले आते हैं। अभी जल्दी से बात करते हैं कि भाई मुझे ये शर्त मंजूर है। तो फिलहाल अभी हमारी इससे डील जो है डन हो चुकी है और ये कह रहा है कोई नहीं अभी तुम घर जा सकते हो। तो गाइस बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी ही अगली वीडियो में। अगर आपको देखना है कि मलेटरी का जो है हेलीकॉप्टर कैसे चोरी करते हैं, तो गाइस अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।